नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकियल एस्मा के बारे में, बच्चों में दमे की शिकायत, क्योंकि दमे की शिकायत बच्चों में आजकल काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, तो इसके बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि शुरुआत में ही उसका प्रॉपर इलाज करवा के और फिर आगे के एपिसोड से बचाव हो उसके। तो ब्रोंकियल एस्मा विश्व में काफ़ी सारे बच्चों को होता है और भारतवर्ष में भी ये लगभग 10-12% बच्चों को ब्रोंकियल एस्मा की शिकायत होती है, दमे की शिकायत होती है। दमे को हमें एक बीमारी के रूप में ऐसे नहीं समझना, जैसे मलेरिया है तो बीमारी है, बीमारी हुई दवाई दे दी ठीक हो गई, तो टाइफाइड है दवाई दी ठीक हो गई, लेकिन ब्रोंकियल एस्मा एक टेंडेंसी है। ब्रोंकियल एस्मा को हम एक तरह की पर्सनैलिटी ये कहते हैं मोटे शब्दों में, कि कुछ बच्चों में जरा सी चीज़ से कोई ट्रिगर फैक्टर होता है और सांस फूलने लगती है, पसली चलने लग जाती है, तो कई सारे ट्रिगर फैक्टर ऐसे होते हैं कि किसी भी कंडीशन में ऐसा होने लग जाएगा और इलाज कर देंगे तो उसी समय ठीक भी हो जाएगा और फिर कई बार 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 भी ऐसा होने लग जाता है। तो इसमें ट्रिगर फैक्टर को पहचानना होता है कि कैसे क्या कारण था जैसे कि सांस फूलने लगी बच्चे की। तो ट्रिगर फैक्टर को ऐसे समझ लें जैसे कि एक तो कोई आम पत्ता है, कोई पत्ता किसी भी चीज़ का, पेड़ का पत्ता है, तो उसको छुएंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर छुई मुई का पत्ते को छू दिया या छुई मुई का पत्ता लग गया तो एकदम बॉडी में खुजली होने लग जाती है, परेशानी होती है। तो दमे की शिकायत को भी इसी तरह से हम ले सकते हैं कि सांस की नलियाँ किसी किसी बच्चों की संवेदनशील हो जाती हैं, जो जरा सी चीज़ में ही सांस बंद हो जाती है, सांस की नलियाँ पिचक जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और सांस आनी मुश्किल हो जाती हैं। तो संवेदनशील होने के बाद सांस की नलियों में एक तो सिक्रीशन ज़्यादा होने लग जाते हैं, जैसे मुंह में लार होती है इसी तरह सांस की नलियों में म्यूकस होती है, तो म्यूकस का ओवर सिक्रीशन होता है तो एकदम उसका सांस की जो रास्ता है कम रह जाता है, दिक्कत होती है, एक सांस की मांसपेशियां सिकुड़ भी जाती हैं। तो इस प्रकार से संवेदनशीलता की वजह से बच्चे को भी और बड़ों को भी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि ब्रोंकियल एस्मा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और कई फैक्टर से बचाव करके हम इसका बचाव भी कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो उसके लिए वर्ल्ड ब्रोंकियल एस्मा डे 2 मई को मनाया जाता है, 2 मई अब आने वाली है, तो ये एक जागरूकता का अभियान है। तो इसमें भी आप लोग सब लोगों को बताएं, जागरूकता लाएं समाज में कि क्या क्या इसके कारण है, कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं और कैसे इसका समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो होलिस्टिक अप्रोच में मैं बताऊंगा आपको होलिस्टिक वे क्या हो सकता है इसका, किसी भी तरह से हम कैसे ब्रोंकियल एस्मा का सामना कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इसके क्या क्या कारण होते हैं ब्रोंकियल एस्मा के, क्या क्या ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। इसको एक सांस के तंत्र की हम एलर्जी कह सकते हैं, एलर्जी का मतलब नाजुकता। तो ये नाजुकता के क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है बच्चों में जो हाउस डस्ट होती है, घर की जो डस्ट होती है, झाड़ू लगाई हमने डस्ट होगी तो उसमें माइट होता है, एक माइट हाउस डस्ट में माइट होता है, तो माइट से बॉडी बड़ी सेंसिटिव होती है। जब भी धूल मिट्टी हुई, दिवाली आई घर में, होली आई, हमने सफाई करी घर की, तो जो धूल सी उड़ती है घर में, जैसे तकिए हैं तकियों को झाड़ेंगे, रजाई को, पुराने कंबल को झाड़ेंगे, या फिर जो पर्दे बड़े बड़े भारी भारी पर्दे हैं उनको झाड़ने से, या कोई कालीन है मोटी सी कालीन है पुरानी अगर कस के झाड़ी, तभी छींकें आने लगती हैं, तभी सांस सी फूलने लगती है। जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतनी ज़्यादा फिर दिक्कत बढ़ती आती है। तो ऐसी चीज़ों से, एक तो हाउस डस्ट माइट होता है तो उससे एलर्जी होती है, किसी किसी को पोलन ग्रेन से, जो फूल हैं फूलों में से पोलन पराग के कण उड़ते रहते हैं, हवा में आते रहते हैं, तो घास के पोलन्स, फूलों के पोलन्स, तो पोलन ग्रेन से परागकणों से भी एलर्जी होती है। कोई घर में पेंट हो गया तो पेंट से किसी किसी बच्चे को, बड़ों को एलर्जी हो जाती है, पेंट का जो केमिकल्स फ्यूम्स उड़ते हैं, इसी प्रकार से अगरबत्ती से हो सकती है। इसी प्रकार से जो बाहर व्हीकल है, व्हीकल का पोल्यूशन, बाहर का पोल्यूशन उससे हो सकती है, घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है स्मोकिंग से एलर्जी हो सकती है। फिर पेट हैं घर में, अगर पेट रखे हैं, कोई भी कुत्ता है बिल्ली है तो किसी भी के भी संपर्क में आ गया तो उसकी डेंडर जो होती है, एनिमल डेंडर, उसको सूंघने से, उसके पास जाने से ही एलर्जी हो सकती है। या फिर कॉकरोच जो होते हैं घर में, उनकी ड्रॉपिंग्स, तो उनसे एलर्जी हो जाती है। किसी किसी को स्ट्रॉन्ग इमोशन से ही एलर्जी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई ऐसी बात हुई कि बस सांस सी फूलने लगी, बस बेचैनी सी हो गई, घबराहट हो गई, परेशानी से सांस फूलने लगी, या फिर स्ट्रेस से, तनाव से भी किसी किसी को ट्रिगर एकदम ब्रोंकियल एस्मा का, या फिर वेदर की एक्सपोजर से, अचानक घर से बाहर जा रहे थे तो गाड़ी में जा रहे थे, कार में बाहर निकले, बाहर ठंडा मौसम था तो एकदम ही ट्रिगर हो गया और थोड़ी देर के बाद ही सांसें चलने लगी, खांसी होने लगी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, केमिकल से या फूड के प्रिजर्वेटिव से, किसी किसी को फूड से एलर्जी हो जाती है कि कुछ पर्टिकुलर फूड लेने से ही दिक्कत होती है, तो या फिर जो प्रिजर्व्ड फूड है, जंक फूड है, उसमें प्रिजर्वेटिव कलर्स डाइज होते हैं, कलर्स होते हैं, तरह तरह की डाइज होती हैं, तो केमिकल्स होते हैं उनसे भी किसी किसी को एलर्जी होती है। तो पर्टिकुलरली पहचानना भी होता है कि किसको किसी से एलर्जी है, तो वैसे आगे लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना है। तो
तो ये कारण थे। उसके बाद इसके लक्षण क्या है दमे के, जो दमा है बच्चों में उसके लक्षण होते हैं, एक तो खांसी होती है, कुछ कुछ खांसी होती है, सांस चलने लग जाती है, सांस तेज चलती है, पसली चलने लगती है, और सीटी की साएं साएं की आवाज़ से आती है, साएं साएं की आवाज़। पर्टिकुलरली लोग कहते हैं कि इसकी तो पसली चल रही है, साएं साएं की आवाज़ आ रही है, सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, ऐसा खुद डिस्क्राइब करते हैं पेशेंट आके। तो और ख़ासकर सोने के 2-3 घंटे बाद कई बार ऐसा होता है, और कई बार सुबह 3-4 बजे, जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी की, हार्मोन्स का जो लेवल एक सेट होता है, उसके हिसाब से सुबह 3-4 बजे 5 बजे ज़्यादा एपिसोड होते हैं इसके। और कई बार सोने के, एक बार सो जाएगा बच्चा, फिर 1-2 घंटे के बाद ही बलगम सी गले में लेस लेसी जम जाएगी, बच्चे को दिल करेगा कि मैं उठूं, और फिर मतलब उसको नींद आएगी, करवट बदलेगा, फिर उठ के बैठेगा, फिर सांस खिड़की के पास आएगा बच्चा तो कि भाई मेरे को दम घुट रहा है, ऐसा ऐसी बेचैनी होती है, तो ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। बाकी उसे छाती में भी भारीपन सा रहता है, टाइटनेस ऑफ ब्रेथ ऐसे होता है कि भाई छाती जकड़ सी गई है अंदर से, कुछ कैसे मैं ठीक हूँ। जो छोटे बच्चे हैं 5-6 महीने के बच्चे, वो दूध पीना कम कर देते हैं, सांस फूलती है तो उनसे दूध पिया नहीं जाता, शक नहीं गया था। जो बड़े बच्चे होते हैं वो एक सेंटेंस पूरा नहीं बोल पाते, ऐसे कर करके ऐसे करते हैं कि जिससे कि उनसे पूरा सेंटेंस बोला नहीं जा रहा, और इसी तरह से फिर ये बड़ा रूप भी ले लेते हैं। लेकिन जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट से इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है, एकदम ब्रोंको डायलेशन हो जाता है, सांस खुल जाती है, और ट्रीटमेंट से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है। तो प्रॉपरली डॉक्टर को दिखा के उचित डायग्नोसिस करवाएं और उचित ट्रीटमेंट भी करें। जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है तो ब्रोंकियल एस्मा में पर्टिकुलरली कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है एकदम कि भाई एकदम टेस्ट से ही हम डायग्नोस करें, हमें रूल आउट करना होता है कि भाई अगर इसे ब्रोंकियल एस्मा है तो कहीं इसको निमोनिया तो नहीं है, कहीं इसको काली खांसी तो नहीं है, कहीं इसको कोई ये बीमारी तो नहीं है, कहीं इसकी सांस की नली में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। इसके लिए फिर हमें कई बार एक्सरे करना पड़ता है रूल आउट करने के लिए, और छोटे बच्चों में तो एक्सरे भी कर लिया, बड़े बच्चे अगर हैं तो उसमें हम कई बार स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट। भाई पहले हमने बच्चे का देखा कि बच्चा इतनी लंबी सांस ले सकता है, 1 लीटर सांस, और एक लीटर सांस बाहर निकाल सकता है, फिर हम उसको ब्रोंको डायलेटर का नेबलाइज करेंगे, भाप देंगे एक बार, फिर हम दोबारा से सांस लेंगे, कितनी सांस ले सकते हैं एक बारी में ऐसे, और कितना सांस बाहर निकाल सकता है। तो उससे हम देखते हैं कि भी अगर ब्रोंको डायलेटर देने के बाद में उसके लंग फंक्शन में इतना इंप्रूवमेंट हुआ है, एक पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट हुआ है, तो इसका मतलब उसकी ब्रोंकियल एस्मा की टेंडेंसी है। तो फिर हम उसको 1-2 महीने के बाद फिर रिपीट भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के बाद। तो इसलिए जो ज़रूरी है वो टेस्ट करवाएं। अगर कोई इन्फेक्शन का डाउट लगता है कि अगर टेम्परेचर भी साथ में कुछ है, कोई परेशानी है, या छोटे बच्चे हैं 5-6 महीने के 8 महीने के, तो उसमें कोई ब्लड टेस्ट की आवश्यकता होती है वो भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली पीडियाट्रिशियन के एक्सपीरियंस से डायग्नोसिस बनती है, और पेरेंट्स के सही डिस्क्रिप्शन से, अगर पेरेंट्स सही बताएंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे तब इस इंसिडेंट से ऐसा हुआ, तब सांस इसकी तेज चलने लगी, तो उससे भी डायग्नोसिस अच्छी बन सकती है। उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए ब्रोंकियल एस्मा में मेनली जो है कि जो सांस की नलियाँ सिकुड़ रही हैं, तो ये दिखा जाए था तुम्हें, ये है देखिए ब्रोंकियल एस्मा, जो सांस की नली है ये नॉर्मली इतना कैलिबर होता है सांस की नली का, ये ऐसे, और खूब अच्छी जगह होती है सांस अंदर जाने के लिए, ऑक्सीजन लंग्स में जाए, और ये जब ब्रोंकियल एस्मा होता है तो सांस की नली सिकुड़ जाती है, और जगह इतनी सी रहती है, कैलिबर इतना रहता है केवल सांस के अंदर जाने का, तो इससे फिर बच्चे को दिक्कत होती है। जहाँ इतनी सांस एकदम जा रही थी, ये चौड़ा पाइप था, सपोज कोई भी पाइप है ऐसे ऐसे चौड़ा था, और वही अगर कम रह जाए, कैलिबर कम रह जाएगा, तो उसमें फिर सांस पूरी लंग्स को मिल नहीं पाएगी, इसलिए इसमें दिक्कत होती है। तो ये जो ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए, जो सांस की नलियाँ सिकुड़ गई हैं, उनको खोलने के लिए ट्रीटमेंट बेसिकली ये जो सांस की नलियाँ हैं, ये जो लंग्स, जो निमोनिया है, निमोनिया में तो जो सांस के एल्वियुलर सैक्स हैं, इनमें पानी सा तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, उसे दिक्कत होती है। लेकिन ब्रोंकियल एस्मा में सांस पूरी पहुंच नहीं पाती है एंड तक, यहाँ पे ही ये नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, इतना कैलिपर था तो इतना से रहता है, केवल इतनी सी जगह में से होकर लंग्स एयर को जाना पड़ता है, ऑक्सीजन को, तो उससे दिक्कत होती है बच्चे को, ये परेशानी का कारण है। तो इसमें लंग्स की जो एयरवेज हैं, एयरवेज को खोलना होता है हमें कि ज़्यादा सांस गहरी अंदर जाए और खुल के सांस मिले, खुल के ऑक्सीजन मिले बच्चे को, जिससे कि दिक्कत हो। उसके लिए एक तो नेबलाइजर का उपयोग करना पड़ता है, भाई भाप दे के मशीन से भाप दे दे हम, और सांस उससे अच्छी आ जाए, फिर जैसे भी जरूरत हो, जैसा उसका रिस्पॉन्स मिलता है हमें कि दिन में 2-3 बार ऐसे भाप देनी होती है, या फिर MDI मीटर डोज इनहेलर से
इनहेलर विद स्पेसर, आगे स्पेसर लगा होता है और पीछे पफ से ऐसे भाप देके ऐसे उसे लंग्स में मेडिसिन चली जाती है, डिलीवर हो जाती है और उससे भी लंग्स खुल जाते हैं और बच्चे को ब्रीदिंग अच्छी आती है। तो एमडीआई स्पेसर से भी हेल्प मिलती है। फिर खाने की दवाइयाँ कुछ या फिर पीने की सिरप भी दे सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में मेंटेन करती हैं इसको। भाई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देनी पड़ती है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करके म्यूकस सिक्रीशन को कम करें और सांस की नलियाँ खुली रहें। तो ये तो हो गया इमीडिएट ट्रीटमेंट। इसके अलावा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो ट्रिगर फैक्टर है उससे बचाव करना, और जो बच्चे बड़े हैं, अगर जो बच्चा 2-2.5-3 साल से बड़ा है बच्चा, तो उसमें एक तो हम उसका डाइट का वो करेंगे। कई बच्चे, कई पेरेंट्स फीडबैक देते हैं कि इसको इस पर्टिकुलर डाइट, किसी को केला खाने से ही दिक्कत हो जाती है, किसी को ठंडे जूस लेने, खट्टे जूस या ठंडे जूस लेने से दिक्कत हो जाती है, किसी को आइसक्रीम से या ठंडा पानी पीने से ट्रिगर हो जाता है। तो किसी किसी बच्चों को जो हाई शुगर डाइट है जिसमें भी शुगर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो ज़्यादा है, ज़्यादा चावल खाने से या ज़्यादा दही लेने से, कोई जूस लेने से, मिठाई लेने से, उससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा पेरेंट्स की कई फीडबैक होती है। तो उन चीज़ों से बचाव करके पेट भर के हरी सब्जियाँ, दालें, खिचड़ी, दलिया, रोटी दें। किसी किसी बच्चों को एग से प्रेसिपिटेट हो जाता है अटैक, ये किसी बच्चे को पीनट से या सोया प्रोटीन से भी ऐसा प्रेसिपिटेट हो जाता है एपिसोड। तो जिस चीज़ से भी अगर बच्चा का प्रेडिलेक्शन है उसे बचाव करें, लेकिन वैसे अदरवाइज होलसम डाइट दें, हरी सब्जियां, दूध दलिया, खिचड़ी, दालें, मूंग की दाल, रोटी, ऐसा खाना दें जिसकी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है और जिसकी डाइजेस्टेबिलिटी अच्छी है, ऐसा खाना दें, बैलेंस डाइट दें, सारे ही भोजन के तत्व हों उसमें। और दूसरा, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें। देखिए ब्रोंकियल एस्मा वाले बच्चे, काफ़ी बच्चे तो वो बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, ओलंपिक गेम्स में भी उन लोगों ने मेडल जीते हैं, रिकॉर्ड है ऐसा, और एशियन गेम्स में भी, इंडिया में भी बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने मेडल जीते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक पर्सनैलिटी एक तरह की है ब्रोंकियल एस्मा, कोई पक्की बीमारी नहीं है। अगर उसका हम सामना करें अच्छी तरह से और अदरवाइज रूटीन हम अपना फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें तो हम अच्छा अचीव करते हैं, अच्छा करियर में कोई इससे इसकी वजह से दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हम सावधानियाँ बरतेंगे और अच्छा अच्छी तरह से सामना करेंगे तो बड़ा ईजी हो जाती है लाइफ हमारे लिए, नहीं तो ज़्यादा मेडिसिन का कंजम्पशन बढ़ जाता है अगर लाइफ स्टाइल अच्छी ना रहे। तो लाइफ स्टाइल अच्छी रखनी है, समय से सोना, समय से उठना, सिंपल बैलेंस डाइट लेना और फिजिकल एक्टिविटी करना। फिजिकल एक्टिविटी सुबह शाम जो रूटीन में करें, लेकिन जब ब्रोंकियल एस्मा का एपिसोड होता है तो कई बार एक्सरसाइज से प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसमें थोड़ा सा बचाव कर लें, अदरवाइज रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें। दूसरा, योग से बड़ा अच्छा हेल्प मिलती है। अगर योग करेंगे तो लंग फंक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं। एक तो हो गई हमारी हार्डवेयर की एक्सरसाइज, केवल एक हो गई लंग्स की ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत बड़ा एक सपोर्ट है ब्रोंकियल एस्मा के लिए। गहरी गहरी लंबी सांस, एक तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ दी, फिर वापस लंबी सांस ली, फिर लंबी सांस छोड़ दी, जैसे हम दही रड़कते हैं ऐसे मक्खन निकालते हैं, इसी प्रकार से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। मेरी गुड़िया है देखिए, ये सौम्या, तो ये 4 महीने की तब की फ़ोटो है, और जब ये 2.5 साल की थी तो योग करती थी देखिए, और अब ये बड़ी हो गई 13 साल की, इसे 10 साल हो गए योग करते हुए। तो ये प्रतिदिन योग करती है और इसका इसे बड़ा लाभ मिलता है और ये निरोगी रहती है, हेल्दी रहती है। तो अगर ये सौम्या 3 साल की उम्र से अभी तक लगातार योग कर रही है, तो अगर आप लोग भी बच्चों को योग कराएंगे, उनको सलाह देंगे, तो उससे उनको डेफिनेटली लाभ मिलेगा और उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से लंग फंक्शंस इंप्रूव होंगे, कैपेसिटीज, वॉल्यूम इंप्रूव होंगे। तो योग, एक तो ये भस्त्रिका, गहरी लंबी सांस लेना, फिर लंबी सांस छोड़ना, ऐसे एक कपालभाति, सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर, एक सेकेंड में एक स्ट्रोक ऐसे, और एक ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके अलावा श्री श्री रविशंकर जी एक सोहम क्रिया कराते हैं बच्चों को, जो बड़े लोग हैं उनको तो सुदर्शन क्रिया कराते हैं टीनेजर्स ऑनवर्ड्स, और छोटे बच्चों को सोहम क्रिया, तो उससे भी लंग फंक्शन इंप्रूव होते हैं। और ये सब प्राणायाम करने से, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम ये करने से, कई सारे लोगों के नेब्लाइजर या इनहेलर जो लेते थे उनके छूट गए और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो गई, बेयर मिनिमम पे हो गई। तो इस चीज़ का लाभ उठाएं। आसन भी करवाएं, जैसे सूर्य नमस्कार है, देखिए सूर्य नमस्कार का पोज है ये, एक साइकिल है, एक साइकिल में 12 पोज होते हैं, तो ऐसी ऐसी 10, 12, 20, 50 साइकिल करवाएं डेली। 10 साइकिल करने में 5 मिनट लगते हैं और ऐसी 20-30 मिनट के लिए भी हम करवा सकते हैं। सूर्य नमस्कार करवा दिया, बाकी सारे आसन करा दिए, बाकी आसन भी हैं। जितना हम बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखेंगे तो बच्चे पॉजिटिव थिंक करेंगे। ये बाकी आसन है, ये भी आसन 10-10 बार करवाएं डेली सुबह, तो इनसे ब्रीदिंग कैपेसिटीज बढ़ती हैं, इनका जरूर लाभ उठाएं।
तरह तरह के आसन करवाने से बच्चे बड़ी जल्दी मिमिक्री करते हैं, बड़ी जल्दी वो फॉलो करते हैं इन चीज़ों को। बस ये कि हमें भी साथ में करना होगा, हम खाली बच्चे को डिक्टेट करेंगे कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तो मुश्किल रहता है उनके लिए, और अगर हम खुद भी करेंगे और बच्चों को साथ में कराएंगे तो वो बड़े ही इजीली खेल खेल में फन एज ए फन योग करते हैं बच्चे। तो इसमें इन्वॉल्व रखिए, ये मेरी पर्सनल बहुत बड़ी गहरी मेरी राय है क्योंकि मेरा खुद का इस चीज़ का अनुभव है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग ऐसे करें, योग में ज़रूर बच्चों को लगाएं, बाकी तो रात को जल्दी सुलाएं, सुबह जल्दी उठाएं, सुबह जल्दी उठ के वॉक पे लेके जाएं, एक्सरसाइज जॉगिंग पे लेके जाएं। तो सुबह 3 साल से बड़ा बच्चा 3 किलोमीटर की वॉक कर सकता है आराम से। 3 किलोमीटर की वॉक में 30 से 35 मिनट लगते हैं, तो पहले 3 किलोमीटर की वॉक करना सिखाएं 1 महीना, और फिर 1 महीने के बाद 3 किलोमीटर की जॉगिंग सिखाएं बच्चे को, उससे बड़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। बाकी स्मोक से डस्ट से बचाव रखना है, हाइजीन का भी ध्यान रखना है। जितना हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो सैनिटेशन का ध्यान रखने से बच्चा हेल्थ कॉन्शियस होता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाव होता है, इस चीज़ का भी लाभ उठाएं। बाकी ब्रोंकियल एस्मा के बारे में बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन नेट पर अवेलेबल है, तो वो भी आप नॉलेज बढ़ाएं। ये तो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस ने ये मैगजीन ये किया, तो डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। एक ये है, ये है, इसमें उपचार कब तक करना है बच्चे का, ये बच्चे के जो एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने सीवियर एपिसोड होते हैं कितने उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जब तक चिकित्सक है तब तक उसका इलाज भी करवाएं। और जो ब्रोंकियल एस्मा है उसमें 80% बच्चों में ये जेनेटिक, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है कि जेनेटिकली ही ये आता है, और 10 से 15% बच्चों में म्यूटेशन से हो सकता है ऐसा। बाकी जिन बच्चों के खाली माँ को या केवल पिता को ब्रोंकियल एस्मा है, एक सिंगल पेरेंट को, तो 30% चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों को हो ब्रोंकियल एस्मा। अगर माता पिता दोनों की ऐसी टेंडेंसी है तो बच्चे को 70% चांस होते हैं कि भाई उसको ब्रोंकियल एस्मा के एपिसोड्स हों। तो इसलिए इस चीज़ के लिए जागरूक रहें और हेल्थ के लिए अवेयर रहें, कॉन्शियस रहें। बाकी इसके बारे में जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट करें और टेलीफोन भी करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया टेलीफोन नंबर, वो भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर भी करें आगे, जिससे कि सब लोगों में हेल्थ एजुकेशन ये डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और मेरा फेसबुक पे भी पेज है जगदम्बा बेबी केयर सेंटर करके, तो उसको भी आप फॉलो करें। थैंक यू।